मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि जब कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है तो हमें अप्रत्यक्ष देवता इंद्र की पूजा करने की बजाय प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, वही हमारे कष्ट दूर करेंगे। उक्त बंते क्षेत्र के गांव दरौली स्थित ठाकुर द्वारा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवे दिन कृष्ण की बाल लीला एवं गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनाते हुए शक्ति पीठ माता भुवनेश्वरी मंदिर के पीठाधीश्वर नीरज स्वरूप ब्रह्मचारी ने कही। उन्होंने कथा के पांचवे दिवस भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए माखन चोरी तथा काली दह लीला का वर्णन करते हुए गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनाई। उन्होंने बताया जहां भगवान ने विषधर कालिया नाग से गोकुल वासियों को भय मुक्त किया, वही गिरिराज की कथा में उन्होंने अभिमानी इंद्र का अभिमान तोड़ा। कथावाचक नीरव स्वरूप ने बताया कि भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल की लीलाओं से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक नेतृत्व एवं कालिया को अभयदान देना व गोकुल वासियों को इंद्र के कोप से बचाना भगवान की भक्तों के प्रति वात्सल्य को दर्शाता है। ग्राम दरौली निवासी यजमान पुत्तन लाल तिवारी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य शिवम द्विवेदी विनय कृष्ण वैदिक मंत्रों के उच्चारण करते हुए विधि विधान से पूजन कराया। नीरव स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि कथा के छठवें दिन रविवार को रुक्मणी विवाह की कथा का वर्णन किया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।